टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक लंबे समय से कंट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं अब सालों से चुप्पी साधे बैठी पुरानी अंजलि भाभी भी सामने आ गई हैं। अंजलि भाभी यानी एक्ट्रेस नेहा मेहता ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने बताया कि वो अपने किरदार और शो को मिस नहीं करती हैं। वेल, क्या है ये कोई बात, आइए बताते हैं। पुरानी अंजलि भाभी यानी नेहा मेहता ने हाल ही में ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, जहां एक्ट्रेस ने बताया उनके मन में कोई शिकायत या किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं है। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में अपने ब्रेक को लेकर भी बात कही। नेहा मेहता ने कहा, कोविड की वजह से मेरी फैमिली ने लौटने के लिए कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और अपने भाई के पास चली गई। उन्होंने मुझे अपने साथ रुकने के लिए कहा। मैं गुजरात गई थी, वहाँ मैंने 2 साल तक फार्मिंग की और गौ पालन किया। मैं खाली नहीं बैठी, इन सालों में लगातार काम करती रही। मैंने गुजराती फिल्म और एड्स में भी काम किए, ये 2 साल कमाल थे। नेहा मेहता ने फिर बताया कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अपने किरदार अंजलि भाभी को मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा से मेरे साथ है। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे दिल में हैं, वैसे ही शो के सभी किरदार और मेरा किरदार मेरे दिल में है। ऑडियंस ने हमेशा प्यार दिया है, मेरे करेक्टर अंजलि तारक मेहता को सपोर्ट किया है। नेहा ने तारक मेहता कॉन्ट्रोवर्सी और आशित कुमार मोदी को लेकर भी बात की है। एक्ट्रेस ने कहा, वो मेरे बड़े हैं, गार्जियन हैं, और मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि तुम क्या हो ये कभी मत भूलो और सिर्फ अपनी सच्ची पर्सनैलिटी दिखाओ। मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ हम बनकर किया है, तो मैं कभी उस जगह के बारे में कमेंट नहीं करूँगी। मैं लड़ लूँगी लेकिन कोई बुरी बात नहीं कहूँगी। मेरे पास किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। एक प्रोड्यूसर के तौर पर मैं चाहूँगी काम चलता रहे, मेरे पास बस सबके लिए प्यार है। वेल, ये थी नेहा मेहता की बात जो कहनी थी हमें आपके साथ। इसी तरह की टेलीविजन और बॉलीवुड की हर गॉसिप पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और प्रेस कर लें बेल आइकन को। तब तक के लिए बाय बाय।